वेलकम गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउंस के बारे में, उसके साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिग लिस्ट जो कि नाउन की होगी। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में ही नाउंस के प्रकार बता देता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल, देखिए व्हाट इज अ नाउन, संज्ञा क्या है, किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो जिस चीज को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, उसे नाउन कहते हैं। इंडिया, ये एक देश का नाम है। किशोर, ये एक पुरुष का नाम है। रीता, ये एक स्त्री का नाम है। किताब, ये एक वस्तु का नाम है। एयर और वाटर भी नाउन है। तो यहाँ पर ये सभी नाउन है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा को पांच भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। फाइव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम प्रोपर नाउन के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रोपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा इज अ बिग रिवर, गंगा एक बड़ी नदी है। दिल्ली, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिल्ली प्रोपर नाउन है। किशोर, किशोर इज अ गुड बॉय, किशोर एक अच्छा लड़का है, किशोर यहाँ पर प्रोपर नाउन है। इंडिया, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इंडिया यहाँ पर प्रोपर नाउन है, इंडिया एक बड़ा देश है। प्रोपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, मतलब बड़े में लिखते हैं। तो किसी भी विशेष व्यक्ति से मतलब है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक है। तो किसी भी स्थान, जैसे जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये कोई एक पर्टिकुलर चीज के नाम है, ठीक है, तो उसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। देखिए कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे एक ही वर्ग या जाति के सभी व्यक्ति वस्तु का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन कहते हैं। विलेज, आई एम गोइंग टू माई विलेज, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू माई विलेज, जो विलेज है वो है कॉमन नाउन, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। फॉरेस्ट, ही हैज लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो कॉमन नाउन है। ही हैज लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में अपना रास्ता भूल गया है। सिटी, दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, सिटी एक कॉमन नाउन है, ये सिटी बहुत सुंदर है। काउ, द काउ इज एन एनिमल, काउ एक जानवर है, तो काउ कॉमन नाउन है। बॉय, द बॉय इज वेरी गुड, लड़का बहुत अच्छा है, बॉय कॉमन नाउन है। दिस इज माई पैन, ये मेरा पैन है। देखिए बर्ड, दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये चीज सुंदर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कॉमन नाउन की पहचान हो चुकी है। देखिए जैसे कि विलेज है, विलेज कोई सा भी हो सकता है, मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, या विलेज का कोई नाम हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जंगल का कोई नाम हो सकता है, फॉरेस्ट का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे अफ्रीका का जंगल और कैनन का जंगल, इंडिया का जंगल, कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉमन चीज़ है। सिटी, सिटी हर हर देश में होती है, अमेरिका की अलग सिटी है, इंडिया की अलग सिटी है, तो सिटी एक कॉमन नाउन है। काओ, काओ कोई सी भी हो सकती है, ज़्यादा दूध देने वाली हो सकती है, जर्सी हो सकती है, तो काओ एक कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, ये पूरी जाति को बता रहा है ना, लड़का, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। पैन, पैन कोई सा भी हो सकता है, मॉन्टैक्स का हो सकता है, रिनॉल्ड्स का हो सकता है, रोटोमैक का हो सकता है, तो पैन एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से बर्ड, कौवा हो सकता है, कबूतर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्ड पंछी, तो ये कॉमन नाउन है जो कि पूरे जाति को ही बता रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। देखिए कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। वो नाउन या संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू ज्वाइन द आर्मी, तो यहाँ पर आर्मी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, हिंदी मतलब है। द क्राउड क्लैप्ड, भीड़ ने ताली बजाई, तो यहाँ पर क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। सी इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी, वो समिति की सदस्य है। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, तो यहाँ पर आपने देखा आर्मी, क्राउड, कमिटी और बंच, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक संज्ञा है। आर्मी एक आदमी से आर्मी नहीं ना बनती है, कई आदमी जुड़ते हैं तो आर्मी बनती है। इस प्रकार से क्राउड जो भीड़ होती है, कई आदमी जुड़ते हैं तो भीड़ बनती है, ठीक है, क्राउड। इस प्रकार से समिति जब बनती है, कमिटी,
तो उसमें भी कई आदमी जुड़ते हैं, तब वो कमिटी बनती है। इसी प्रकार से बंच, अंगूर जो गुच्छा होता है वो एक से तो नहीं बनता, एक चीज से गुच्छा नहीं बनता, उसमें कई अंगूर होंगे तब वो बंच ऑफ ग्रेप्स है। ठीक है, इसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, वो नाउन जिससे दूसरी वस्तु बनाई जा सके या जिसे गिना नहीं जा सकता, केवल नापा जा सकता है, एक के है, केवल नापा जा सकता है या तोला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये देखते हैं, घी, सुगर, वुड, मिल्क, व्हीट और ऑयल, वाटर। ठीक है, ये सब मटेरियल नाउन है। वी ड्रिंक वाटर एवरीडे, हम रोज पानी पीते हैं। दिस चेयर मेड ऑफ मेटल एंड वुड, ये चेयर या ये कुर्सी वुड और मेटल से बनी है, लोहे और लकड़ी से बनी है। वी शुड ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में दूध पीना चाहिए। तो यहाँ पर वाटर, वुड और मिल्क मटेरियल नाउन है। वाटर से हम आइस बना सकते हैं, ठीक है, या इसे वाष्प बना सकते हैं। वुड से हम कुछ भी बना सकते हैं, चारपाई बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। ठीक है, मिल्क से हम दही बना सकते हैं और मिल्क से हम मक्खन निकाल सकते हैं, जिस चीज़ से कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। तो आप कहेंगे अब शुगर, शुगर से क्या बन, शुगर से बहुत चीज़ें बनती है। ठीक है, शुगर से क्या बनता है, चाय बनती है, हर चीज़ बन जाती है। ठीक है, कुछ भी बनाना है। वुड से चेयर, बेड कुछ भी बन जाता है, मिल्क से दही, दूध कुछ भी बन जाता है, व्हीट जो कि अनाज है, अनाज से हम भोजन बनाते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। ठीक है, जिससे दूसरी चीज़ बनाई जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिसे गिना नहीं जा सकता केवल हम उसे तौलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है लास्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, वो संज्ञा जो कि व्यक्ति या वस्तु के गुण और दशा को बताता है, उसे भाववाचक संज्ञा मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि है ब्यूटी, काइंड, वीकनेस, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, गुडनेस, लव, एटीसी। हर ब्यूटी इज इनडिस्क्राइबल, तो उसकी सुंदरता अवर्णनीय है। तो यहाँ पर सी इज अ रियल ब्यूटी, वो एक असली सुंदरता है। ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु व्यक्ति है। तो यहाँ पर काइंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पर ऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यू टुक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, आपने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। तो यहाँ पर वीकनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए देखते हैं आप लिस्ट। ये सभी जो है, ये जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट है। ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए, एबिलिटी और कलेक्टिव नाउन और जो बाकी के नाउन है उनका तो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, उनका उनकी लिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए एबिलिटी, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट है। एबिलिटी योग्यता, एड्रेशन आराधना, एडवांटेज लाभ, एडवेंचर साहसिक, अमेजमेंट विस्मय, एंगर गुस्सा, एनोयंस चिढ़, एंग्जायटी चिंता, एपिटाइट भूख, एप्रिहेंशन डर, अवेयरनेस जागरूकता, आओ भय, ब्यूटी सुंदरता, बिलीफ भरोसा या धारणा, ब्रेवरी वीरता, ब्रिलियंस प्रतिभा, ब्रूटैलिटी निर्दयता, काम शांत, केयर देखभाल, चॉस अराजकता, चैरिटी दान पुण्य, चाइल्डहुड बचपन, क्लैरिटी स्पष्टता, क्लेवरनेस चतुराई, कोल्डनेस शीतलता, कंफर्ट आराम, कम्युनिकेशन संचार, कंपैशन दया, कॉन्फिडेंस विश्वास, कंफ्यूजन भ्रम की स्थिति, कंटेंटमेंट संतोष, करेज साहस, क्राइम अपराध, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा, डेथ मौत, डिसीट छल, डेडिकेशन निष्ठा, डिफीट हार, डीले विलंब, डिलाइट आनंद, डिस्पेयर निराशा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, डेक्सटरिटी निपुणता, डिक्टेटरशिप अधिनायकत्व, डिसअपॉइंटमेंट निराशा,
डिसबिलीव नास्तिकता, डिसऑनेस्टी बेईमानी, डिसक्वाइट बेचैनी, डिसरिगार्ड उपेक्षा, डिस्टर्बेंस अशांति, डिवोर्स तलाक, ड्रीम सपना, एजुकेशन शिक्षा, एलिगेंस लालित्य, एनवी दाह, एविल बुराई, फेल्यूअर असफलता, फैथ आस्था, फैसिनेशन सम्मोहन, फियर डर, फिक्शन उपन्यास, फ्रेगलिटी भंगुरता, फ्रीडम आजादी, फ्रेंडशिप मित्रता, गेन लाभ, जनरेशन पीढ़ी, जनरॉसिटी उदारता, गोल लक्ष्य, गुडनेस भलाई, गॉसिप गपशप, ग्रोथ विकास, हैप्पीनेस खुशी, हेट नफरत, हेटर्ड घृणा, ऑफ आशा, हॉरर डरावना या डरावनी, हाइट चोट, आइडिया विचार, इन्फेंसी बचपन, इन्फेचुएशन आसक्ति, इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति, इंसैनिटी पागलपन, इंटेलिजेंस बुद्धि, इरिटेशन जलन, जॉय मतलब आनंद होता है, ठीक है, आनंद या खुशी, जस्टिस न्याय, काइंडनेस दयालुता, लाफ्टर हंसी, लॉ मतलब कानून, लिबर्टी स्वतंत्रता, लाइ झूठ, लाइफ जिंदगी, लॉनलीनेस तन्हाई, लॉस हानि, लव प्रेम, लक भाग्य, लग्जरी विलासिता मतलब आरामदायकता कह सकते हैं, मैच्योरिटी परिपक्वता, मूवमेंट आंदोलन, नैप झपकी, नीड जरूरत, ओपिनियन राय, अपॉर्चुनिटी अवसर, पेन दर्द, पेशेंस धीरज, पीस शांति, पेक्युलैरिटी खासियत, परसुरेंस दृढ़ता, प्लेजर अभिराम या मजा, ठीक है प्लेजर, पॉवर्टी दरिद्रता, पावर शक्ति, प्राइड गौरव, प्रिंसिपल सिद्धांत, रियलिटी वास्तविकता, रिलैक्सेशन विश्राम, रिलीफ राहत, रिलीजियन धर्म, रिस्टोरेशन मरम्मत, राइट अधिकार, र्यूमर अफवाह, सैक्रिफाइस त्याग, सैनिटी मानसिक स्वास्थ्य, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, सर्विस सेवा शौक झटका, क्लीनेस मूर्खता, सिलीनेस मूर्खता, स्किल कौशल स्लीप नींद, सौरो शोक स्पीड स्पीडी होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ताकत, स्ट्रिक्टनेस शक्ति, सक्सेस सफलता, सरप्राइज आश्चर्य, टैलेंट प्रतिभा, थ्रिल रोमांच, टाइमिंग समय, टायर्डनेस थकान, टॉलरेंस सहनशीलता, ट्रेंड तो ट्रेंड ही होता है जो कि बहुत जल्दी से ट्रेंड हो जाता है, ठीक है, ट्रस्ट विश्वास, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, यूनियन संघ अनरियलिटी कल्पना, विक्ट्री विजय, वरीनेस सावधानी, वार्म्थ गर्मजोशी, वीकनेस दुर्बलता, वेल्थ धन, वेरीनेस थकावट, विषदम बुद्धिमता, वीट बुद्धि, वरी चिंता।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, शेयर तो जरूरी करें, बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। और आप लोगों को अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इंग्लिश फॉर ऑल, गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।